जाए आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए भी संकट। कैसे इस मुश्किल समय में आप अपने आप को आर्थिक तौर पर अनुशासित कर सकते हैं, कैसे संयम बरतकर एक बेहतरीन निवेशक बन सकते हैं, यही बताता है आपको योर मनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं आज की हाइलाइट्स के साथ। जानिए EMI हॉलिडे में कितनी चुकानी होगी आपको EMI, क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होगी आपको। छोटी बचत योजना में नहीं रहा अब बड़ा मुनाफा, निवेशकों को अब मिलेगा कम ब्याज। और अगर आप अपनी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो टीवी पर शो देखकर अपना सवाल पूछिए हमसे फेसबुक या ट्विटर पर। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान CEO एंड फाउंडर KCC शरद कोहली मौजूद हैं। शरद जी, स्वागत है आपका योर मनी पर। शुरुआत करेंगे दर्शकों के लिए सबसे बड़ी उलझन के साथ, जो कि EMI हॉलिडे को लेकर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। साफ तौर से बैंक्स ने एक एक करके नोटिफिकेशन अब जारी करना शुरू किया है शरद जी, जहां पे अगर आप लोन की EMI नहीं देना चाहते हैं तो आपको बेहद सतर्क रहना होगा। हर बैंक ने अपने अपने हिसाब से नियम तय किए हैं। अधिकांश बैंक जो है वो उनके जो नियम है वो ये कहते हैं कि अगर EMI नहीं देना चाहते हैं तो आपको बैंकों को इसकी सूचना देनी होगी। हाँ, कुछ सरकारी बैंकों ने EMI ऑटोमेटिक रोकने की भी सुविधा यहां पर दी है, लेकिन ओवरऑल नोटिफिकेशंस में जो बैंकों के जरिए आए हैं शरद जी, वो क्या कहते हैं? देखिए, कुछ बैंकों ने तो जैसा आपने कहा कविता, उन्होंने ऑटोमेटिक कर दिया है। इसमें ज्यादातर PSU बैंक्स हैं, पर अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें जी, तो वहां पर कुछ ऐसा क्राइटेरिया था, RBI का डायरेक्टिव आया था, उसमें भी कुछ ऐसा था कविता कि अगर आप आपको डिसरप्शन हुआ है वाकई इस लॉकडाउन की वजह से, आपको कैश फ्लो आपके बिगड़ गए हैं, आपकी सैलरी टाइम से नहीं आई है, मतलब जिस भी कारण से आपके कैश फ्लो बिगड़ गए हैं जी, तो आपको वो एक तरह से प्रूव करना पड़ेगा। और वो मुझे लग रहा है प्रूव करना तो नहीं रखा गया है, पर उसी को दिमाग में रख के करा गया है। Absolutely. कि आप बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए कि अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बैंक को बताइए, जिससे कि बैंक आपके अकाउंट को मॉरेटोरियम में 3 महीने के लिए आपके अकाउंट को डाल देगा। और कविता, इसको मैं अगर बोलूं ना तो EMI पे करो ना, और ये कोरोना की वजह से ही है, EMI पे करो ना, 3 महीने तक आपको नहीं पे करना है। और पर आपको बताना पड़ेगा, ज्यादातर बैंक जो है कविता वो इसी कैटेगरी में आते हैं जहां पर आपको बैंक को इत्तला देनी है, आपको बैंक को बताना है। Exactly. और यहां पर आपको बता दे, जिन बैंक्स को आपको जानकारी देनी है उसमें अगर हम नामों की बात करें तो PNB, SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंकों को बताना जरूरी है अगर आप EMI नहीं चुका पा रहे हैं। मार्च अगर आपने दे दी है तो आपको केवल 2 महीनों के लिए ही ये मोहलत मिलेगी, ये समय मिलेगा। साथ ही HDFC, ICICI बैंक जो है मार्च की EMI का रिफंड भी करेंगे। शरद जी, ये क्या कैलकुलेशन है, क्या गणित है, बताएं? जी हाँ, ये गणित ये है कि पहली बात तो हमारे जो योर मनी के दर्शक हैं वो ये समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कविता एक कंफ्यूजन है कि क्या ये पहली अप्रैल से और 30 जून तक है। हाँ. तो जी हाँ, पहली बात तो वो जो 3 महीने का टेन्योर है वो पहली अप्रैल से 30 जून नहीं है, ज्यादातर लोग यही समझ रहे हैं। हुँ. वो पहली मार्च से और 31 मई तक है। हुँ. अब किसी ने मेरे से अभी पूछा थोड़ी देर पहले, किसी का फोन आया था, वो पूछते हैं साहब इसको पहली मार्च से क्यों किया है। तो देखिए, जो कोरोना की वजह से जो डिसरप्शन था, बिजनेस एक्टिविटी डिसरप्ट होनी शुरू हुई थी, पहली बात तो वो मार्च के मिडिल में दिखाई देने लग गया था, होली के आसपास, आपको याद होगा। okay. कि लोग सतर्क होने शुरू हो गए थे। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि EMI जब आपके अकाउंट से जाती है तो बहुत सारी जगह EMI ECS से जाती है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो होता है ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में डेबिट हो जाती है जी। तो अगर ये EMI आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली डेबिट हो गई है, और क्योंकि बैंक की मंशा यह है कि आपको 3 महीने का रिलीफ देना है, 3 महीने का मॉरेटोरियम देना है जी, तो इसलिए अगर आपकी वो हो गई है और आपका कैश फ्लो उसकी वजह से बिगड़ गया, उसके बाद डिसरप्शन हो गया आपकी, तो EMI चल गई। कुछ लोगों की EMI बहुत बड़ी होती है या कुछ लोगों के लिए वो छोटा अमाउंट भी बड़ा होता है, तो आप उसको सिलेक्टिव बेसिस पे, हालांकि RBI ने ये बोला है कि सिलेक्टिव बेसिस, और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने भी बोला है कि सिलेक्टिव बेसिस पे आप HDFC, ICICI जैसे बैंक आपको कुछ राइडर्स लगा के उसको रिफंड भी कर सकते हैं। यहां तक भी बात आई है कि आप उसको वापस ले सकते हैं, क्योंकि
आपको बेनिफिट 3 महीने का मिलना था, परंतु 1 महीने की आपकी चली गई बचा। अगर आप वो रिफंड की जो प्रावधान है, जो सुविधा है, आप बैंक से बात करके ले सकते हैं। यहाँ पर HDFC ICICI बैंक की ही केवल बात हो रही है जो आपको शायद रिफंड देंगे, लेकिन क्योंकि हम बड़े लोन्स की भी बात करना चाहते हैं, हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ जुड़ गए हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के। हाय हर्ष, स्वागत है आपका योर मनी पर। हर्ष, मुझे ये समझना है, बहुत लोगों में कंफ्यूजन अब ये है क्योंकि काफी बैंकों ने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि आपका जो लोन का टेन्योर है वो 3 महीने से बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट मीटर है वो ऑन रहेगा। तो हर्ष, मुझे ये समझाइए, अगर 3 महीने से मेरी अवधि बढ़ जाएगी तो क्या मेरी EMI जो मुझे रकम चुकानी है क्या वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट मीटर तो मेरा ऑन है। हर्ष सुमेल कविता, ये जो वेवर दिया गया है ये एक डिफरमेंट है, ये कंप्लीट वेवर नहीं है कि आपको पेमेंट करना नहीं है। सो अगर 3 महीने का जो आपका आपने डिफर किया, ये कहते हुए कि मुझे अभी EMI नहीं देनी है, 4th महीने से मैं फिर से शुरू करूंगा, तो आप 4th मंथ से ही शुरू कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप 3 महीने पहले का भी भर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो इंटरेस्ट अक्रूड है उन 3 महीनों का वो भी आपको देना होगा, और वो आपका टेन्योर बढ़ाया जाएगा। तो जहां आपका 15 साल का लोन था वो 15 साल और 3 महीने का भी हो जाएगा। और इसका जो एक्चुअल इंटरेस्ट इंपैक्ट है, हमने बार बार ये दोहराया है, हमने पहले भी बात की, हमने यही कहा है कि ये एक फैसिलिटी दी गई है, अगर आपके पास इनफ कैश फ्लो है, लिक्विडिटी है और आपने प्लानिंग कर रखी है, तो इसे ये ना समझें कि 3 महीने का सहूलत मिली है तो लेना ही है। आप इसे फाइनेंशियल इंपैक्ट भी देखिए, अगर जैसे अगर 50 लाख का एक आपका आउटस्टैंडिंग लोन है मार्च महीने में, और हाउसिंग लोन है मान लीजिए, और जिसपे 8% आप ब्याज दे रहे हैं, तो उसका महीने का ब्याज करीबन 33,000 होता है। तो अगर आप उसे डिले कर रहे हैं, आप भर नहीं रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं आगे जाते हुए भरूंगा, तो ये 33,000 रुपया इनटू 3 मंथ्स करीबन 1,00,000 रुपया जो है वो आपके एडिशनल बर्डन है। सो अगर लिक्विडिटी है, भर सकते हैं, तो इसका फायदा ना लें, इसको ऐसा नहीं है सब्सक्राइब करना ही है, तो ये ध्यान में रखिए, और ये डिफरमेंट है, वेवर नहीं है। ऑलराइट, तो ये बहुत बड़ी बात है, डिफरमेंट है, वेवर नहीं है, यानी आपको आगे चलकर EMI तो चुकानी होगी, और हो सकता है इंटरेस्ट मीटर क्योंकि ऑन रहेगा तो आपकी EMI बढ़कर भी आपके आपको चुकानी पड़ सकती है। तो ये तो एक राहत की बात है, हमने आपको बताई, लेकिन अब दूसरी ओर जो आपकी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है ना, उसकी ब्याज दरें घटा दी गई है। तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में PPF KVP जैसी विभिन्न स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ब्याज दर जो है वो 0.70% से लेके 1.40% तक काट दी है, कम कर दी है। और PPF की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको अप्रैल जून तिमाही में 7.1% जो है ब्याज चुकानी होगी। KVP की बात करें 6.9% अब इसकी इंटरेस्ट हो गई है घटकर। NSE की अगर हम बात करें 6.8% आपको देना होगा। 5 साल के RD पर बात करें तो 5.8% घटके अब दर हो गई है। 5 साल की टाइम डिपॉजिट अगर आप अभी करते हैं तो 6.7% हो गई है ये ब्याज दर। सुकन्या समृद्धि योजना 7.6% हो गई है कटकर। और 5 साल की सीनियर सिटीजन स्कीम अगर आपने रखी है 7.4% के आसपास इसकी अब इंटरेस्ट रेट हो गई है ये कटौती के बाद। तो शरद जी, यहाँ पर कोरोना संकट के चलते जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पे लोगों का रुझान अक्सर ज्यादा रहता है क्योंकि हर कोई अपने पैसे को लेकर रिस्क नहीं उठा सकता, स्मॉल सेविंग्स पे लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा रहता है। अधिकांश लोग क्योंकि शेयर बाजार में पैसे नहीं लगाते हैं अपने डर की वजह से और अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, अब स्मॉल सेविंग्स में भी जो कटौती की गई है इसे हम कैसे देखें? देखिए, मुझे लग रहा है कविता, इसका जो बेसिकली इम्पैक्ट पड़ेगा वो जो रिटायर्ड पॉपुलेशन है, जो लोग रिटायर्ड हैं, और बहुत सारे रिटायर्ड लोगों को कम से कम मैं जानता हूं जो कि इस इंटरेस्ट के सहारे ही अपना अपना बुढ़ापा, अपना वृद्ध जीवन काट रहे हैं। और वो उनको फिक्स उन्होंने बड़ा कैलकुलेट कर रखा होता है कि हमने मान लीजिए रिटायरमेंट के ऊपर हमें 1 करोड़ रुपया मिला, तो हम इसको बैंक में रखेंगे, हमें इस पे जैसे अभी तक NSE आपको 7.9% दे रही थी, या PPF या 5 ईयर की टर्म डिपॉजिट थी, उन्होंने इसको अलग अलग बांट बांट के रखा हुआ था। मुझे लग रहा है उनके लिए एक बहुत बड़ी निराशा की खबर है, क्योंकि उनका सारा घर का जो बजट है, जिस हिसाब से वो खर्च करते हैं, चाहे दवाइयों पर है, मेडिसिन पर है, जो भी वो खर्च करते हैं, मुझे लग रहा है उस पर डिस्टर्ब होगा। पर हमें देखना यह है कि इस समय जो फिस्कल पोजिशन है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को अपना लोड कम करना है, हम बड़े स्टिमुलस पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं, तो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा वहीं से आएगा जब सरकार के जो खर्चे हैं, सरकार की जो लायबिलिटी है, जब वो लायबिलिटी घटेगी तभी आपको उतना एल्बो रूम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कविता, वो एल्बो रूम, फिस्कल एल्बो रूम मिलेगा। तो मुझे लग रहा है सरकार अपनी लायबिलिटी को घटाकर, अपने खर्च को घटाकर, देखिए हम जो सरकार अगर स्कीम चला रही है तो वो सरकार के लिए खर्चा है ब्याज देना, तो मुझे लग रहा है उसको घटाकर वो लोड कम करना चाहती है कि अब आपके लिए दूसरा। वैसे भी हम देखें तो CRR गिर गई,
रेपो रेट गिर गया, रिवर्स रेपो रेट गिर गया, तो उसी को अलाइन करते हुए ये स्मॉल सेविंग्स की स्कीम गिरा दी गई। और अगर अभी आप पीपीएफ की बात करें कविता, तो पीपीएफ में अभी भी जो ट्रिपल ई बेनिफिट है, एग्जेम्प्ट जो आपको एग्जेम्प्ट इन्वेस्टमेंट करते टाइम एग्जेम्प्ट है, तो आज भी बैंकों की अगर हम बैंकों से तुलना करें, बैंकों के फिक्स डिपॉजिट से, तो आज भी पीपीएफ जैसी बड़ी बहुत अट्रैक्टिव है। दूसरा एक और स्मॉल सेविंग्स में जो बेनिफिट था, बहुत कम लोग ये जानते हैं कविता, कि पीपीएफ पे जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो पोस्ट ऑफिस या कोई भी टीडीएस उस पे नहीं काटता, इसका हालांकि ये अर्थ नहीं है कि वो टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल तो है, पर आपको टीडीएस की सरदर्दी जो होती है 26AS में उसको चेक करना वगैरह, वो सबसे आप बचे रहते हैं, उसको आपको अपनी मर्जी से डिक्लेयर करना होता है। ये स्कीम्स बैंक की अगर फिक्स डिपॉजिट से हम तुलना करें तो अभी भी अब ये बैंक की इंटरेस्ट जो बैंक की एफडी के रेट्स है, मुझे लग रहा है उसके आसपास आ गया, बल्कि उससे थोड़ा सा नीचे ही आ गया है। तो इसका फायदा या तो बैंकों को होगा, और हम तो चाहेंगे, हम सीएनबीसी आवाज पे है कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट्स में आए, स्टॉक मार्केट जैसा रिटर्न तो कहीं नहीं आता, ठीक है साहब, ये कोरोना ने जो करा है वो करा है, पर अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आज भी मैं समझता हूँ विनर है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अगर हम इक्विटी का इतिहास भी पकड़ के चले तो यहाँ पर हर एसेट क्लास को इसने मात दी है जहां तक रिटर्न्स की बात है। लेकिन चलिए, सवालों का सिलसिला आना शुरू हो चुका है, दर्शक भी हमसे फोन लाइन पर सवाल पूछना चाहते हैं। पहले दर्शक विमोक्ष हमारे साथ है। हाय विमोक्ष, कैसे हैं आप? हाय, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके घर परिवार में सब कोई सेफ है और आप घर पर ही हैं। ओके, आपकी उम्र 24 साल की है और आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम श्योर हर्ष, आपने इनका सवाल काफी ध्यान से पढ़ा होगा। इन्होंने अभी अभी निवेश करना शुरू किया है, लेकिन इनके जो सवाल हैं शरद जी और हर्ष, वो एकदम फ्रेशर की तरह है, एक नए इन्वेस्टर की तरह सवाल पूछ रहे हैं, और इनके सवालों की कड़ी है, चेन है सवालों की, तो मैं एक एक करके इनके सवाल पूछना चाहती हूँ। विमोक्ष, आपके सवाल मेरे पास है, हम एक्सपर्ट के पास जाते हैं, टाइम मेरे पास बहुत कम है, इसीलिए सबसे पहले इन्होंने SIP कर रखी है हर्ष, L&T इमर्जिंग बिजनेस में, मोतीलाल ओसवाल फोकस मल्टीकैप में, HDFC हाइब्रिड इक्विटी में। पूछ रहे हैं कि नेगेटिव रिटर्न जो कि इन्हें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है उससे चिंतित है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या इस एसेट क्लास में और इस तरह के फंड्स में निवेश बरकरार रहना चाहिए? विमोक्ष, आप कब से निवेश कर रहे हैं मुझे बताएंगे? मैं 2 साल से कर रहा हूँ। ओके, 2 साल से, कुछ टाइम होराइजन है आपका, क्योंकि आपने ये इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स ली हैं जो कि मेरे ख्याल से हर्ष भी पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन आपका टाइम होराइजन क्या है? बेसिकली मुझे, मेरे मल्टीपल गोल्स है, तो नेक्स्ट 4 to 5 years के अंदर मुझे 8-10 लाख रुपए चाहिए, एंड नेक्स्ट 15 years के बाद मुझे कुछ लमसम अमाउंट 40-50 lakh जैसे चाहिए, एंड नेक्स्ट 20-25 years के बाद मेरा वेल्थ क्रिएशन का प्लान है जो 2-3 crores का है, तो मैं कैसे प्लान करूँ बेसिकली? ऑलराइट, एक बात तो साफ है कि आपको अपनी SIP जो है वो बढ़ानी होगी, लेकिन चलिए इनकी अप्रोच हर्ष, अब क्योंकि हमारे पास गोल्स की जानकारी नहीं थी, अब थोड़ी क्लैरिटी आ गई है, इनके पास मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स लाइंड अप हैं, तो बताएं इस पोर्टफोलियो में क्या ये मुमकिन हो पाएगा अचीव करना? सोवेल, 3 स्कीम्स की जानकारी हमारे पास है, उसमें हर स्कीम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं वो डिटेल्स हमारे पास अमाउंट के रूप में नहीं है कि कितनी अमाउंट है। विमोक्ष, मुझे बताएंगे आप हर फंड में कितनी SIP कर रहे हैं, हजार रुपए की कर रहे हैं क्या? पोर्टफोलियो में 6 to 7 स्कीम्स है, मैं हर एक के अंदर 2-2 हजार कर रहा हूँ। 6 हजार की आप फिलहाल कर रहे हैं? ऐसे स्कीम में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कौन सी है वो? DLSS के अंदर मैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है, DSP टैक्स सेवर है, एंड मिराज एसेट टैक्स सेवर है। 3 ELSS स्कीम आपने रखी, और इनमें कितना निवेश कर रहे हैं? वो दोनों में भी, वो तीनों में भी 2-2 हजार, हर एक के अंदर टोटल अमाउंट सेम ही है। तो आप 12 हजार की SIP कर रहे हैं? कर रहे हैं। और राइट, तो हर्ष यहाँ पे सवाल थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन फिर भी जो जानकारी हमारे पास अभी हाथ में है, 3 टैक्स सेवर है इनके पास और 3 इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है, बताएं आप। जो स्कीम्स का हम नॉन ELSS स्कीम्स की अगर बात करें, सो मिड कैप एक फंड है इनके पास, मल्टी कैप और एक हाइब्रिड एग्रेसिव, जो एक बैलेंस कैटेगरी है, और ये 3 फंड्स हैं। और जाहिर सी बात है, मार्केट अगर 35% अगर करेक्ट हुआ है, तो क्योंकि ये सारी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, तो इनमें आपको उसका असर दिखेगा। सो निराश ना हो, ये अभी आप 2 साल का रिटर्न देख रहे हैं, मार्केट, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि मार्केट ऊपर नीचे करते रहता है, आपको बने रहना है और वेरी सिस्टमैटिकली, नियम से, डिसिप्लिन
डिसिप्लिन के साथ आप इसमें इन्वेस्ट करते रहें, स्कीम्स में बदलाव करने की कोई मुझे जरूरत लग नहीं रही है, सो आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ कमेंट करना चाहूंगा इनके ईएलएसएस पोर्टफोलियो पे, इन्होंने 2000 रुपए की 3 स्कीम्स में कर रखी है। हालांकि 3 स्कीम्स अच्छी है, लेकिन आपको इतना डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप 2 स्कीम ले सकते थे जिसमें आप 3000 रुपए की 2 SIP करें तो भी आपका काम बन सकता है। सो अगर वो बदलाव करना चाहते हैं तो थोड़ा कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेस और बिराई की स्कीम कंटिन्यू करें। आप डीएसपी का टैक्स सेवर बंद कर सकते हैं और इस ये जो 2000 रुपए है वो एक एक करके आप एक्सेस और मिराई में स्प्लिट कर लें, तो आई थिंक आपका एक स्कीम कम से कम अपने पोर्टफोलियो में बंद हो जाएगी। ऑलराइट हर्ष, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन इन्होंने गिल्ड फंड और डेट फंड्स पे भी आपसे सलाह मांगी है, तो आप इनको फंड के नाम बता सकते हैं? वेल, डेट फंड में ये चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म, ये जो 2 डेट स्कीम्स की बात कर रहे हैं, सो आईसीआईसीआई शॉर्ट टर्म फंड, आईडीएफसी शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड। सिर्फ मेरा कमेंट ये है कि क्योंकि सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स 5 साल एंड बियॉन्ड है, डेट फंड में नहीं भी अगर निवेश करें तो ठीक है, थोड़ा इमरजेंसी फंड कंटिजेंसी के हिसाब से अगर रखें तो अलग बात है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेट फंड में ना करें तो बेटर है। गिल्ड फंड्स में भी इन्होंने पूछा है, इन्होंने 2 स्कीम्स मांगी हैं, तो निपॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटीज फंड और आदित्य बिरला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है जो ये कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट विमोक्स, पोर्टफोलियो को शफल कीजिए, 1 साल के लिए आपको एफडी करने की सलाह दी जा रही है, अगर 1 साल से ज्यादा आपका नजरिया है तो फिर आप डेट फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ट्विटर पर जो सवाल पूछ रहे हैं दर्शक, उनके सवालों से होंगे रूबरू और हमारे पैनलिस्टों से लेंगे आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का गुर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्विटर के दर्शक हैं निखिल, जिनका सवाल मैं अभी लूंगी, और निखिल पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने एक्सिस ब्लू चिप में निवेश की शुरुआत की है, 40 साल तक कह रहे हैं 1000 रुपए तक का निवेश करेंगे और 5 करोड़ चाहिए इन्हें 60 साल के बाद। शरद जी, एक बात तो क्लियर है कि इनको अपना निवेश बढ़ाना होगा, एक्सिस ब्लू चिप का इन्होंने चुनाव किया हुआ है, इनके पास काफी सारा समय है, तो मेरे ख्याल से अगर अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहें तो SIP बढ़ाएं, 5 करोड़ कैसे हासिल होंगे? लेकिन जी हाँ बिल्कुल, देखिए अभी 1000 रुपए थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, हालांकि इनका जो टेन्योर है बहुत लंबा है, 40 साल की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें 1-2 और ब्लू चिप फंड्स अगर ये जोड़े, और अभी देखिए अभी मुझे 40 साल की कर रहे हैं और 60 साल में ये चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इनकी उम्र 20 साल के आसपास की होगी, तो अभी तो इनका जो जो एक्चुअल इनकम है वो जैसे जैसे ये इनकी उम्र बढ़ेगी आई एम श्योर इनकम भी बढ़ेगी, तो अगर इनका जो 5 करोड़ का टारगेट है उसको उसके लिए कम से कम इसको 1000 को धीरे धीरे बढ़ा के अगर ये 5000-10000 तक ले जाएंगे, मुझे लग रहा है तब ये ज्यादा रियलिस्टिकली अचीवेबल होगा, बजाय 1000 के 1000 इनको हो सकता है मार्केट में कोई बहुत ज्यादा उछाल आ जाए, या जिस फंड में एक्सिस फंड में आपने बताया एक्सिस में लगाया हुआ है और अगर बहुत ज्यादा उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो जाए तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पर मैं इनको सलाह दूंगा कि जैसे जैसे की इनकम आगे बढ़े ये 1 या 2 ब्लू चिप फंड्स और चूज करके और कम से कम इसको निवेश को 5000-10000 रुपए तक ले जाए। ऑलराइट, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और देखिए लंबा निवेश है आपका तो कंपाउंडिंग का फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी SIP को बढ़ाएं, निखिल आपको ये सलाम दे रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद नोएडा से राकेश कुमार का सवाल लेंगे, जो कि अभी अभी रिटायर हुए हैं और जानना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद नियमित आय को मेंटेन करने के लिए कोई रणनीति अगर अपनानी हो तो वो क्या होगी, कैसे होगी, बताएंगे इनको इस छोटे से ब्रेक के बाद। शो का आखिरी पड़ाव और हमारे दर्शक नोएडा से राकेश कुमार जी फोन लाइन पे हैं। नमस्कार राकेश जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब घर पे ठीक है। ओके, पूछिए सर। मैडम मेरा सवाल ये है कि मैं अभी रिटायर हुआ हूँ और मैंने जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर लिया है। अच्छा जी, मेरे पास अभी और 30 लाख की का वो है फंड है जिसको मैं लगाना चाहता हूँ डेट फंड में। ठीक है, मुझे तो बताइए कि आपके पास रेगुलर इनकम का इंतजाम तो है, हर महीने की आपकी इनकम तो आ रही है, ऐसा निवेश आपने किया हुआ है उसका बंदोबस्त है? उसका बंदोबस्त है। ठीक है, 30 लाख रुपए जो आप निवेश करना चाहते हैं उसको लेकर आपकी जोखिम उठाने की क्षमता क्या है? आपको केवल 3 साल के लिए ही करना है? नहीं, जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरा कैपिटल बना रहे और उसमें कुछ 8-10% की 9% के रिटर्न मिलते रहे मुझे।
ठीक है, बट इसको आपको रेगुलर इनकम के लिए इस्तेमाल नहीं करना है ना? नहीं, इसको जो है रेगुलर इनकम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन 8-9% का रिटर्न चाहिए। ऑलराइट, चलिए आपका सवाल समझ गए हैं राकेश जी। हर्ष, क्लियरली सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्होंने निवेश किया हुआ है, तो अब मेरे ख्याल से आप इनको शायद डेट फंड का चुनाव करने की सलाह देंगे। हर्ष जी, हाँ, अगर हम देखें कि इनकी जो लिमिट है, अगर 15 लाख रुपए की लिमिट इन्होंने सीनियर सिटीजन में ऑलरेडी पूरी कर ली है, और प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जिसमें आपको जो रेगुलर पेंशन के रूप में पैसे मिलते हैं, अगर ये सारी लिमिट अगर उन्होंने पूरी कर रखी है, तो डेफिनेटली इनके पास ऑप्शंस जो बचते हैं वो है या तो बैंक की फिक्स डिपॉजिट या तो डेट फंड्स। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो क्योंकि एक पोर्शन इनका इन्वेस्टमेंट का एक फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में लग चुका है जहां पे ब्याज फिक्स हो गया है, एक दूसरा हिस्सा जो 30 लाख रुपए अभी बात कर रहे हैं और 3 या 4 साल का जो होराइजन है, वो डेफिनेटली एक फ्लोटिंग रेट जैसे प्रोडक्ट में कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि जो उम्मीद कर रहे हैं ये एक्सपेक्टेशन है इनकी कि मुझे 8-9% कम से कम मिलना चाहिए, तो वो चीज म्यूचुअल फंड्स में गारंटी नहीं हो सकती है। हो सकता है इन्हें उतना रिटर्न मिल जाए, अगर ब्याज की दरें वैसी रही तो इनको उस हिसाब से रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर ये श्योर चाहते हैं कि मुझे इतना पहले से पता होना चाहिए नहीं तो मुझे नहीं करना है, तो ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड्स में नहीं कर सकते। सो राकेश जी, इतना ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि ओवर यू नो 1-2 साल के अंदर में आपको करीबन 7-8% मिल सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती। और तो अगर जो कैटेगरी के फंड्स अगर आप बात करें तो शॉर्ट टर्म फंड्स या बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स, इनमें क्या सिक्योरिटी थोड़ा देखते हुए हम इन फंड्स में निवेश करें। इनमें जो पोर्टफोलियोज की हम बात करें वो प्राइमरीली ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स होते हैं, सो आईसीआईसीआई शॉर्ट टर्म फंड, आईडीएफसी शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड और एक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, इनमें ये पैसे डिवाइड करके 10-10 लाख रुपए तीनों फंड में कर सकते हैं। ऑलराइट, एसडब्ल्यूपी का इस्तेमाल कीजिएगा राकेश, जब आप निवेश की शुरुआत करें। तो आगे बढ़ते हैं, राहुल कुमार हमारे दर्शक फोन लाइन पे है। हाय राहुल, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार मैम, बढ़िया मैम, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। पूछिए, आपको अपनी बेटी के पढ़ाई का लक्ष्य पूरा करना है जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। यस मैम। ओके, अब तक आपने कहीं निवेश किया है? नहीं मैम, एक्चुअली मैंने निवेश कर रखा है, समृद्धि सुकन्या एक अकाउंट खुलवा रखा है बेटी के नाम के लिए। ओह नाइस। उसमें हर महीने 1000 रुपए मैं डालता हूँ। ओके Okay. बट मुझे और थोड़ा सा इन्वेस्ट और करना है, मैं सोच रहा था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा जाए। अच्छा विचार है आपका, कितना समय देंगे इस निवेश को? मैम अराउंड 15-18 इयर्स। 15-18 साल। शरद जी, सुकन्या समृद्धि में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। राहुल, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप 1000 रुपए इसके से ज्यादा भी निवेश बढ़ाएंगे जब भी क्षमता होगी आपकी। यस 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 मैम, जैसे ही मेरा ग्रोथ होता रहेगा उसी हिसाब से मैं इसमें फंड मतलब अमाउंट बढ़ाता रहूंगा। वेरी नाइस। शरद जी बताएं। बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत अच्छा विचार है पहली बात तो इनका, और आज अब जो मार्केट का माहौल है, अगर हम इसको बैलेंस्ड फंड एक लेके चले, इनको मैं पूरी तरह से इक्विटी की अभी सलाह नहीं दूंगा, कोई अच्छा बैलेंस फंड चूज करके, और अभी हर्ष जी से हम बैलेंस फंड के नाम भी पूछेंगे क्योंकि उनको फंड के नाम भी याद रहते हैं, पर एक बैलेंस फंड में करके अगर चलेंगे और कुछ पैसा ये मैं इनको पोस्ट इसका भी रेकमेंड करूंगा, हालांकि उसमें ग्रोथ अब 6% के आसपास रह गई है। हाँ। कुछ पैसा वहां भी अगर ये रख के चले, लमसम अगर इनके पास आता है, पर अगर रेगुलर बेसिस पे जी। तो मैं समझता हूँ कोई अच्छा SIP लेके चले जिसमें कि इनको बैलेंस फंड में, जिसमें इनको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आ सकता है। ऑलराइट हर्ष, मेरे ख्याल से आप इनको इंडेक्स फंड की रणनीति सुझाना चाहते हैं, अगर ये रिस्क लेना चाहे तो क्या एक्टिव फंड्स में भी आ सकते हैं? हर्ष, अगर ये 100% इक्विटी फंड की तरफ यू नो कंफर्टेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, सो डेफिनेटली एक पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड से शुरुआत अच्छी रहेगी। अगर वो करना चाहेगा 100% इक्विटी फंड में, जो है HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, और अगर शरद जी ने जैसे कहा कि अगर एक हाइब्रिड फंड या बैलेंस्ड फंड के रूप में अगर शुरू करें तो इनके पास ऑप्शंस दूसरे हैं, वो है एक ICICI इक्विटी एंड डेट फंड है और दूसरा SBI इक्विटी एंड डेट फंड। सो ये दो ऑप्शंस हैं। अगर ये 15 साल की अवधि लेके चल रहे हैं, सुकन्या समृद्धि में कर चुका है इन्होंने इन्वेस्टमेंट, तो एक 100% इक्विटी का एक्सपोजर लिया हुआ भी एक्चुअली बुरा नहीं है, 1000 रुपए का अमाउंट है, सो ये 15 साल के ऊपर हाइब्रिड फंड से बेटर रिटर्न देने की हमें उम्मीद लगती है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम है और अगर थोड़ा कॉशियस जाना चाहते हैं, हमने दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं, इक्विटी फंड तो एक इंडेक्स फंड से शुरू करें, अगर अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो दूसरा एक्टिवली मैनेज फंड भी देख सकते हैं। सो इक्विटी फंड अगर करना चाहते हैं, HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान है, अगर हाइब्रिड जिसमें इक्विटी डेट दोनों होता है तो SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड और HDFC ICICI इक्विटी डेट फंड।
ऑल राइट राहुल कुमार जी, उम्मीद करते हैं कि आपने सलाह समझ ली हो। आपको फिलहाल के लिए HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान जो है वो रेकमेंड किया जा रहा है हर्ष की तरफ से। शो को हमें यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी आपका और हर्ष आपका इस खास पेशकश में आज शामिल होकर तमाम जवाब देने का। और जागरूक निवेशक वही है जो बाजार की चाल को जानने के बावजूद भी, देखने के बावजूद भी अपने निवेश में बना रहे, अड़ा रहे और अनुशासित रहे। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दे, लेकिन सवालों का सिलसिला थमना नहीं चाहिए। नमस्कार।